तो दोस्तों, अपने स्मार्टफोन से अगर आपको अपने लैपटॉप में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है या अपनी कोई फाइल को लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन में लेनी है, तो आप दौड़ेंगे अपनी डाटा केबल की तरफ, लेके आएंगे अपनी डाटा केबल को, लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे स्मार्टफोन से और लैपटॉप से और कॉपी पेस्ट करके अपना पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन सपोज कि अगर आपकी डाटा केबल ख़राब हो चुकी है, उसे चूहे ने कुतर दिया है, या फिर आपकी डाटा केबल कहीं खो गई है, कोई उसको लेकर के भाग गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, किस तरह से अपना ट्रांसफ़र करेंगे डाटा स्मार्टफोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन में। दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि वायरलेसली बिना किसी डाटा केबल की मदद से किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपना पूरा डाटा जो है लैपटॉप से स्मार्टफोन और स्मार्टफोन से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं दोस्तों, और कुछ ही सेकंड्स में आपकी बड़ी से बड़ी फाइल बहुत ही तेज़ी से वाईफाई की मदद से आपस में कनेक्ट होकर के दोनों बहुत ही आसानी से आपकी फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ना किसी डाटा केबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की। तो जानने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल द सुधीर जांगिड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने लैपटॉप में, और इंटरनेट कनेक्शन ऑन करने के बाद में अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको सर्च बार में क्लिक करना है और आपको टाइप करना है सर्च बार में, फीम लिखना है इसमें FWEM और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट नज़र आएगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन नज़र आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाएगा फीम के कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे आपको फीम डाउनलोड करना है। तो आप ये विंडो चला रहे हैं तो आपको विंडो पर क्लिक कर देना है। जैसे विंडो पे क्लिक करेंगे तो फीम का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ओनली 34 MB की फाइल है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद में दोस्तों आपको ये जिस जगह पर डाउनलोड हुई है उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। फोल्डर ओपन करने के बाद में दोस्तों आपके इसके सेटअप को रन करना है, इस पर डबल क्लिक करना है दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके बताता हूँ। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये रार फाइल ओपन होगी, इसके अंदर आपको इसका सेटअप नज़र आएगा। इस सेटअप पर आप डबल क्लिक करिए और आपको इस फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। सिंपली आपको नेक्स्ट ओके करना है, दो तीन स्टेप इसके अंदर आएंगी। ये सब स्टेप्स आपको क्लियर करने के बाद में सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है यही आपको अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करना होगा, वो आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये फीम हमारा जो है अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको भी सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। और ये लॉन्च का जो आता है इस पर अनटिक करके आपको फिनिश कर देना है, अभी हमें इसे लॉन्च नहीं करना है। इसके बाद में आपको चले जाना है आपके मोबाइल के अंदर। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आ चुका हूं अभी यहां पर। और मोबाइल के अंदर आने के बाद में आपको सिंपली गूगल प्ले ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर जहां से आप अपनी एप्स डाउनलोड करते हैं, और सर्च बार में आकर यहां पर भी आपको फीम टाइप करना है FWEM। ऊपर जो आपको ऐप नज़र आएगी इस ऐप पर क्लिक करना है और सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाने के बाद में दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी एक डिवाइस का आपको हॉटस्पॉट ऑन रखना है और दूसरे डिवाइस का वाईफाई ऑन रखना है। ओनली इसी के थ्रू आपके जो है फाइल ट्रांसफ़र होने वाली है। इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों हमें फीम को यहाँ पर अपने स्मार्टफोन के अंदर ओपन कर लेना है। कुछ परमिशंस मांगेगा जिन्हें सिंपली हमें अलाउ कर देना है। इसके बाद में अभी आप देख रहे होंगे ऊपर स्मार्टफोन में इसका नाम दिखा रहा है आई एम विजिबल रॉबिन, यानी कि आपके स्मार्टफोन को इस फीम की जो एप्लीकेशन है इसने विजिबल रॉबिन का नाम दिया है। तो आपको जो भी परमिशंस मांगता है उनको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपको लैपटॉप में भी आपके लैपटॉप में जो आपने इंस्टॉल की थी, आपने सेटअप किया था वो इंस्टॉल, उसको आपको ओपन कर लेना है फीम का। तो अभी आप देखेंगे जैसे आप दोनों ओपन करेंगे आपके दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि आपका एक डिवाइस का हॉटस्पॉट ऑन है और दूसरे डिवाइस का वाईफाई ऑन है, तो इसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे लैपटॉप का नाम है डिपेंडेबल रैबिट और स्मार्टफोन का नाम है विजिबल रॉबिन, जो कि मुझे नीचे भी नज़र आ रहा है। स्मार्टफोन में मेरा लैपटॉप नज़र आ रहा है, लैपटॉप में मेरा स्मार्टफोन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप उस नाम पर क्लिक करेंगे आपको ये चैट टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें नीचे सेंड पर सेंड फाइल का बटन आपको मिलेगा। इसी तरह से स्मार्टफोन के अंदर भी आपको चैट नाम पे क्लिक करने के बाद में नीचे सेंड फाइल का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं आपकी यहाँ पर फाइल्स ओपन हो जाएगी। जो भी आप फाइल सेलेक्ट करेंगे नीचे सेंड का बटन आपको मिलेगा, इस पर आपको सेंड पे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे सेंड पे आपकी फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी ये बीच में ऐड आ गया था,
मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ ऐड को, और फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी फ़ाइल भेजी है वो मुझे अपने लैपटॉप पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो जैसे ही आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे ये आपको दो तीन ऑप्शन दिखाएगा, ओपन फाइल, शो इन फोल्डर। तो आप यहाँ से फोल्डर, जिस फोल्डर में ये आपने फाइल डाउनलोड हुई है वो तो फोल्डर भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पर ये फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है, ये फाइल मैंने अभी ओपन की थी, यहाँ पर सेंड की थी। इसी तरह से दोस्तों कोई भी फाइल आप जो है बड़ी आसानी से, देखिए यहाँ पर आप इसमें ऑडियो फाइल ऐप्स और फाइल मैनेजर में जाकर आपकी कोई फाइल है वो वीडियो, कोई भी आपकी जो फाइल है, हर एक फाइल कितनी ही बड़ी हो कितनी ही छोटी हो बहुत ही आसानी से आप भेज सकते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है आपको, और नहीं कोई डाटा केबल की ज़रूरत है, नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक APK भेजी, वो APK फट से जैसे मैंने क्लिक किया फटाफट वो ऐप इस ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, स्मार्टफोन से लैपटॉप में और लैपटॉप से स्मार्टफोन में, मैं अभी एक लैपटॉप से भी आपको सेंड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से लैपटॉप से भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी फाइल बड़ी ही आसानी से भेज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों फिल्म का, केवल आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है और आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है इसका सेटअप। जैसे आप ओपन करेंगे वाईफाई और हॉटस्पॉट से दोनों डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और कोई भी फाइल आप फटाफट शेयर कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने अभी APK भेजी है वो अलग फोल्डर में ऑटोमेटिक चली गई है, वो भी डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं आपको लैपटॉप से एक फ़ाइल अपने स्मार्टफोन में सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है, आपकी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एक फ़ाइल जो है सेलेक्ट करके उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये जैसे मैंने एक थंबनेल बनाया था अपनी पिछली वीडियो के लिए, मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा वो फाइल फटाफट मेरी जो है, ये मैं आपको इस साइड दिखाने के लिए इसको स्मार्टफोन की विंडो को इधर ले लिया है मैंने साइड में। ये देखिए जो मैंने फाइल लैपटॉप में भेजी वो फटाफट से मेरी जो है स्मार्टफोन में मुझे मिल चुकी है। तो सबसे बेहतरीन ऐप है दोस्तों, इतनी अच्छी एप्लीकेशन है फिल्म की। आपको केवल सेटअप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और एक फिल्म की एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, और वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा आपको दोनों को कनेक्ट कर लेना है, और विद इन सेकेंड्स आपकी कितनी बड़ी से बड़ी फाइल जो है बहुत ही आसानी से एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगी एक दूसरी डिवाइस में। आपको न किसी डाटा केबल की ज़रूरत है और न ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं प्रीफर करूँगा आप सभी लोगों को कि अगर आप डाटा केबल भूल गए हैं या अगर आपके पास नहीं है या ख़राब हो चुकी है, तो इसकी मदद से आप जो है बहुत ही आसानी से अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं, और अगर आप ये नाम अपनी मर्ज़ी से एडिट करना चाहते हैं तो आपको फिल्म का प्रो वर्जन लेना होगा। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है प्रो वर्जन में, केवल आप अपना नाम जो है वो अपना नाम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि प्रो वर्जन लेने की आपको किसी को भी ज़रूरत है, जो नाम हमें दिख रहा है हमें उसी से काम चला लेंगे और बिल्कुल फ्री में अपना पूरा डाटा, जितने भी बड़ी से बड़ी फाइल है वो आपस आसानी से बहुत ही ईजिली वे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। किसी और अगर आप ऐप का यूज़ करते हैं या किसी और तरीके से अगर आप वायरलेसली डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है दोस्तों, डाटा ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है, आपस में लैपटॉप और स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट है, बड़ी ही आसानी से जो है आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं और बड़ी ही आसानी से आपका जो भी डाटा है वो बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।